चलिए अब करते हैं इसका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, -5, -8, -11, हमें इन सब का सम कैलकुलेट करना है और लास्ट हमें -230। इसका मतलब हमें ए की वैल्यू पता है -5 है और डी कितना है -8, -5। देखिए ये स्टेप मैं बार बार कहती हूँ, नहीं भूलिएगा, -8 में से हमें -5 को माइनस करना है ना। -8 + 5 यानी आपके पास बचा -3, तो डी की वैल्यू -3 आ चुकी है। एन हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि एन के बिना तो नहीं सॉल्व हो पाएगा। कैलकुलेशन का मेथड क्या होगा, हम ए एन लेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के फॉर्मूले को, ए एन को रखेंगे यहाँ पर माइनस का 230, राइट। तो फिर हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने नंबर है इस ए पी के अंदर, -230, ए की जगह आपने रखा -5 प्लस एन माइनस वन की जगह, एन तो पता ही नहीं है हमें, एन माइनस वन, डी की जगह आप रख रहे हैं -3। और फिर से बता रही हूँ कि आप इसे ब्रैकेट में ही डालेंगे अगर इसका साइन नेगेटिव है तो, वरना कन्फ्यूजन लेटर ऑन होती है हमें और हम यहाँ भेज देते हैं इसको प्लस के साथ, तो डोंट डू इट एवर। -230, माइनस का 5 पहले यहाँ भेजा जा सकता है तो ये हो जाएगा +5। यहाँ पे कौन कौन सी टर्म्स बची, एन माइनस वन बचा एंड -3। यहाँ क्या हुआ, सॉरी, -230 + 5 यानी कि -225, राइट, इक्वल एन -1 × -3। अब माइनस के 3 को भी यहाँ भेजेंगे लेकिन ये जाएगा डिवाइड की फॉर्म में, दैट्स राइट, है ना। डिवाइड क्यों जाएगा, क्योंकि -3 इसके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो यहाँ पर जाकर ये डिवाइड होगा, ये कैंसिल हो गए, 75 आया एन माइनस वन, तो इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी आई, 75 + 1 यानी कि 76। अब एन की जो वैल्यू है मैं यहाँ फिल कर देती हूँ और ये सारी कैलकुलेशन हटा देती हूँ, तो वी हैव गॉट दिस। अब क्या करना पड़ता है, अब हम कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ कितने टर्म्स, 76 टर्म्स, है ना। और फॉर्मूला क्या है, एन बाय टू पहले ए प्लस एल, दैट्स राइट, एन की वैल्यू हमें पता है 76/2, ए की जगह अब हम पुट करेंगे माइनस का 5 और एल की जगह, एल कितना है -230, ये मत भूलेगा, है ना, क्योंकि एल हमारी लास्ट टर्म होती है, सो दैट इज़ -230। -230 को ब्रैकेट में क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन भी है, तो मैं इसको सेपरेट ब्रैकेट में रख दूंगी। 38 बचा यहाँ पर और यहाँ बचा -5 और -230, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 235 और नीचे जो 2 था वो एज इट इज रह गया। पहले हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं 19 पर, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं -235 को 19 से, लेट मी जस्ट डू इट। ये तो 2 मैं ऑलरेडी डिवाइड कर चुकी हूँ ना, आई एम सॉरी, तो ये तो यहाँ रहेगा ओनली 38। अब ये मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आता है -8930, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया।